आज हम जानेंगे कन्या उत्थान योजना 2020 के बारे में। इस योजना के तहत सभी लड़कियों को 54,100 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। दोस्तों, कन्या उत्थान योजना क्या है, आप इसमें कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, कब और कैसे आपको पैसा मिलेगा, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए पहले ये जानते हैं कि कन्या उत्थान योजना है क्या। दोस्तों, कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य है सभी कन्याओं को उस शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन्हें शिक्षित बनाना, बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, इस योजना के जरिए लड़कियों के बाल विवाह को रोकना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अब जानते हैं कन्या उत्थान योजना के लाभ क्या हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को 54,100 रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की लड़कियों को ही मिलेगा। इस योजना में दी जाने वाली 54,100 रुपए की धनराशि लड़कियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाएगी। उन बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा जो अभी तक अविवाहित हैं। एक परिवार की दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस योजना का लाभ किसी भी धर्म जाति समुदाय की बालिकाएं आसानी से ले सकती हैं। किसी भी तरीके का भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत हर साल 1.6 करोड़ छात्राएं इसका लाभ उठा पाएंगी। तो अब जानते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। दोस्तों, योजना के लिए जरूरी दस्तावेज हैं बालिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया कि कन्या उत्थान योजना क्या है, इस योजना के तहत बालिकाओं को क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हम समझते हैं कि कन्या उत्थान योजना के तहत हम ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से घर पर बैठकर कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर आकर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है icdsonline.bih.nic.in। इतना टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर लें। हम जब सर्च करते हैं तो हम आ जाते हैं समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन भरने का प्रतिदिन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो अपने को इसी पर क्लिक करना है। जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को हमें पूरा अच्छे से फिल करना होगा। यहाँ लिखा है 2020-21, यानी इस योजना में हम 2020-21 के तहत इस योजना में लाभ पाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट है। यहाँ आपको अपना जिला, यहाँ क्षेत्र प्रकार, आप शहर से हैं, गांव से हैं, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पर आपका गांव है वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर लिखा है योजना कौन सी योजना के तहत है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत है, तो यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे तो वो योजना आपके सामने आ जाएगी। यहाँ परियोजना, यहाँ आपका पंचायत, जो भी आप गांव में रहते हो आपका जो भी पंचायत हो वो सिलेक्ट कर लें। आपका वार्ड संख्या, जो भी आपकी वार्ड संख्या हो यहाँ पर आप उसको फिल कर लें। ये फिल करने के बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी फिल करनी होगी। तो यहाँ लिखा है आधार नंबर माता का, तो जो भी बालिका का यहाँ पर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उसकी माँ का आधार संख्या यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ लिखा है माता का नाम आधार के अनुसार, तो आधार पर जो भी उनकी माँ का नाम है वो यहाँ एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करें। यहाँ लिखा है शिशु का नाम, तो जो भी बालिका, जो भी बच्ची है जिसके नाम पर ये आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम इंग्लिश में, और यहाँ पर जब आप इंग्लिश में लिख दोगे तो यहाँ पर हिंदी में बाई डिफ़ॉल्ट टाइप हो जाएगा। यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी में, माँ का नाम यहाँ पर इंग्लिश में, माँ का नाम हिंदी में। ये सब करने के बाद यहाँ पर श्रेणी आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है जनरल, OBC, SC, ST, EBC, BC, जो भी है आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर मोबाइल नंबर आपको
एंटर करना है। एंटर करने के बाद यकीन यहाँ लिखा हुआ है माता की मृत्यु होने की स्थिति, तो अगर माँ की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद कोई टिप्पणी अगर आपको करनी है तो आप इस पर एंटर कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है बैंक का विवरण। देखिए यहाँ पर बैंक का विवरण जो देना है वो बालिका की माँ का देना है, तो जो उनकी माँ का खाता संख्या हो वो यहाँ एंटर कर दें। बिहार में स्थित बैंक में उनका खाता होना अनिवार्य है। यहाँ लिखा बैंक का नाम, तो बैंक का नाम आप सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर लिखा है IFSC, तो जो IFSC कोड है वो यहाँ पर एंटर कर दें। यहाँ पर देखिए लिखा है माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता का आधार नंबर एवं बैंक खाता की विवरणी उपलब्ध कराएं। अगर माँ की मृत्यु, वो बालिका की माँ की मृत्यु हो चुकी है, उस स्थिति में पिता का आधार नंबर एवं बैंक खाता यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद लिखा है दस्तावेज अपलोड करें, तो जन्म प्रमाण पत्र, अगर वो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास हो तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके उसका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर दें। माँ के साथ बच्चे की तस्वीर, तो जो बच्ची है जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसकी माँ के साथ जो भी फोटो हो वो यहाँ अपलोड कर दें। देखिए यहाँ पर फोटो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर JPG, PDF और 300 KB में अपलोड करनी है। तो जो बच्चे का यहाँ पर, जो बालिका का आप आवेदन कर रहे हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको 300 KB तक में अपलोड करना है, और माँ के साथ बच्चे की तस्वीर आपको 200 KB में अपलोड करनी है। ये सब अपलोड करने के बाद मूलभूत रिकॉर्ड सेव करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका का आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपके लिए कोई एक नया नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।